हेलो दोस्तों, फाइनली बजाज पल्सर ने अपना न्यू बाइक को लॉन्च कर दिया है। और वैसे कभी कभी सारे दोस्त होंगे कि आप लोग बजाज पल्सर का बहुत बड़े फ़ैन होंगे, तो आप लोग के लिए ये नया बाइक अभी लॉन्च हो चुका है। बट काफ़ी लंबे टाइम से बजाज ने अपना कोई नया मॉडल लॉन्च नहीं किया। जो पिछले बार जो आया था वो सिर्फ कुछ स्टिकरिंग और ग्राफिक्स में चेंज किया था। तो इस बार बजाज ने दो मॉडल लॉन्च किया है, एक है 250F और एक है 250N। तो F का मतलब हो गया फेयर बाइक और N का मतलब हो गया नेकेड स्पोर्ट बाइक। तो इस बार दो बाइक लॉन्च किया है, तो आइए चलते हैं इस वीडियो में, हम लोग जानते हैं इसका टैंक कैपेसिटी और इसका जो परफॉर्मेंस है, इंजन है, वो कैसा है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा इस डिटेल्स को जानते हैं। तो बिना स्किप करके आप लोग वीडियो को देखिए, तब जाके आप लोग को मालूम पड़ेगा। तो आइए चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फीचर्स का बात करने से पहले हम लोग इसका लुक देखते हैं। तो इसका लुक में जो पुराना वाला मॉडल है उसके तरह सिमिलर जैसे लगता है, जो 220F था और ये 250F जो है वो सिमिलर जैसे लगता है। क्योंकि बजाज ने ऐसा बनाया कि जो जो ओल्ड मॉडल का जो लवर है तो वो न्यू मॉडल को देख के भी मतलब वो लोग बाई कर सकते, और जो नया मॉडल चाहिए उसको भी वो नया मिल जाएगा। इसलिए बजाज ने ये सोच समझ के मतलब पुराना मॉडल की तरह ही लॉन्च किया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें से। तो बजाज का दो मॉडल में N250 और F250 में आपको सेम इंजन मिलता है। तो इसका जो चार्ट आ रहा है वो साइड में पॉपअप हो रहा है, आप लोग इसको देख सकते हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका सीसी है 249.07 cc, सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक शॉक टू वेल्व ऑयल कूल FI इंजन के साथ आता है। और इसका मैक्सिमम पावर है 8750 RPM पर 24.5 PS का मैक्सिमम पावर ये जनरेट कर सकता है। और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 6500 RPM पर 21.5 नैनोमीटर का ये मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कर सकता है। और इसमें 6-speed ट्रांसमिशन गियरबॉक्स नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ 5-speed ट्रांसमिशन ही मिलता है। और इसमें व्हील बेस आप लोग को मिल जाता है 1351 mm का, आप लोग को व्हील बेस मिल जाता है आप लोग को। और इसका सीट हेड में बात करें तो आप लोग को मिल जाता है 795 mm का सीट हेड मिल जाता है, जो कि 5.5 inch का जो बनता है वो आराम से इसको राइड कर सकते हैं। उसके बाद इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 165 mm का, आप लोग को ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और इसका कर्व वेट है N250 का 162 kg मिलता है और F250 का 164 kg मिलता है। तो लगभग 2 kg का ही डिफरेंस है। तो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी का बात करें तो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 14 लीटर का। तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम में बात करें तो फ्रंट डिस्क 3000 mm का डिस्क मिलता है आप लोग को, और रियर का 230 mm का डिस्क मिलता है, सिंगल चैनल ABS पर मिलता है। तो फ्रंट पे आप लोग को ABS मिलेगा। तो इसका टायर का बात करें तो टायर ऑब्वियसली ट्यूबलेस ही है। फ्रंट का 100x80x70 का है और रियर का 130x70x17 का है। तो रियर में आप लोग को थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। और इसका सस्पेंशन के ऊपर में बात करें तो इसका सस्पेंशन फ्रंट सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक 37 mm का मिलता है और रियर में आप लोग को मोनोशॉक मिल जाता है। और इसका कलर की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं इस पे कलर, दो कलर पे ऑप्शन पे अवेलेबल है, एक है रेसिंग रेड और एक है टेक्नो ग्रे। तो इस दो कलर पे आप लोग को F250 मिल जाता है। तो F250 में आप लोग को दो कलर का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन N250 में आप लोग को सिंगल कलर का ऑप्शन मिलता है, वो है टेक्नो ग्रे। तो आप लोग को N250 में सिर्फ सिंगल कलर ही मिल जाता है, सिग्नल कलर का ऑप्शन है और दूसरा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल के लिए अभी नेक्स्ट टाइम में अपग्रेड कर सकते हैं। इसका एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर में बात करें तो आप लोग को इसमें मिल जाता है USB एडाप्टर मिल जाता है, ताकि आप लोग इसको राइड करते समय भी चार्ज कर सकते हैं। और इसमें मिल जाता है आप लोग को BI फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेड लैम्प विद पोजिशन लैम्प मिल जाता है आप लोग को, तो फुल्ली LED है। और इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ऊपर में बात करें तो आप लोग को डिजिटल और एनालॉग सिस्टम मिल जाता है। एनालॉग में आप लोग को RPM का मिल जाता है और फुल बाकी सब फुल्ली डिजिटल है। आप लोग को इसमें टाइम, ट्रिमीटर, फ्यूल इंडिकेटर सब मिल जाता है। तो वही इन दोनों बाइक का प्राइस के बारे में बात करें तो F250 का दिल्ली में एक शोरूम प्राइस है 1,40,000 और N250 का एक शोरूम प्राइस दिल्ली में बात करें तो इसका 1,38,000 है। तो सिर्फ 2,000 का डिफरेंस ही है F250 और N250 का एक शोरूम प्राइस में। तो आप लोग को F250 का प्राइस थोड़ा सा 2,000 रुपया ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि ये फेयर बाइक है, और N250 का 2,000 रुपया कम पड़ रहा है क्योंकि ये नेकेड बाइक है।
तो इसका वजह से थोड़ा 2000 रुपीस का अप डाउन है। आप लोग को कौन सा लुक पसंद आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, F250 का या फिर N250 का। N250 का जो लुक्स है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है MT15 का, यामाहा का MT15 का जो लुक्स है उसके तरह है, थोड़ा बहुत सिमिलर है, हेडलाइट प्रोजेक्टर लैम्प सब। तो आप लोग को लग सकता है कि N250 जो MT15 का कॉपी है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस है इसमें भी। मतलब इसका जो मोटाई है क्या है वो टैंकी यह सब थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आप लोग का जो हेड है वो देख के आप लोग को सिमिलर लग सकता है, लेकिन बॉडी पार्ट्स पूरा डिफरेंस ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर ये हम लोग का नियरेस्ट शोरूम पे आ जाता है तो मैं आप लोग को ज़रूर जाके दिखाऊंगा ये बाइक। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो पे।